अब हमारा दुर्गा पूजा आ गया है तो सब लोग फास्ट में होंगे, तो उसके लिए आज मैं व्रत की थाली लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 56 भोग तो नहीं बनाया है, हाँ, बट बनाया मैंने 2 ही रेसिपी, लेकिन बहुत यम्मी टेस्टी और बहुत कम टाइम में बन के रेडी हो गया है। तो आज मैंने बनाया पनीर का सब्जी और सांभर के राइस का खीर और गुट्टू के आटे की पूरी। तो सबसे पहले हम खीर बना रहे हैं, तो खीर के लिए मैंने यहाँ पे सांभर का राइस लिया है, उसको 2 घंटा मैंने फुला दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको मिक्सी में कूट लेती हूँ, मतलब 2 टुकड़ों में इसको पहले मैं तोड़ लूंगी। हमें यहाँ पे बस एक बार मिक्सी चलाएंगे, उसी में हमारा ये टूट जाएगा राइस। ज्यादा आप चलाइएगा तो ये पेस्ट बन जाएगा, हमें पेस्ट नहीं बनाना है, बस राइस को तोड़ना है। उसके बाद एक बर्तन लेंगे और उसमें जो राइस हमने पीसा है वो इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अगर आप पानी ऐड नहीं करना चाहते तो दूध ऐड कर दीजिएगा। और क्या करना है, इसको हमें चलाते ही रहना है। अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो वो नीचे जलने लगता है, इसीलिए हमें इसको छोड़ना नहीं, इसको बीच बीच में चलाते रहना है। यहाँ पे मैं दूध ऐड कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध डाला है। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हमारा राइस अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी गुड़। तो अगर आप चीनी डालना चाहते हो तो चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे गुड़ का खीर बना रही हूँ तो मैं इसके इसलिए गुड़ ऐड कर रही हूँ। जब हम गुड़ ऐड करेंगे तो गैस को ऑफ कर देंगे, जलते हुए गैस पे हमें गुड़ नहीं डालना है, वरना क्या होगा, दूध फट जाएगा। इसलिए जब भी गुड़ का खीर बनाए तो गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद गुड़ को मैं मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद इलायची का पाउडर डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हमारा जो खीर बनके अब रेडी हो गया है। उसके बाद एक नारियल लेके, सूखा हुआ नारियल, इसको मैं घिस के थोड़ा सा डाल देती हूँ और देखिए हमारा खीर भी बनके रेडी हो गया। खीर बनाने में मुझे बस 10 मिनट लगे। उसके बाद हम बना रहे हैं पनीर की सब्जी। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और एक टमाटर लिया है। अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं फास्ट में तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, या फिर सिर्फ आप बादाम के साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, या फिर काजू के साथ तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पनीर फ्राई करेंगे। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है, पनीर ले लिया है, पनीर में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है, मसाले में ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है। डालेंगे जीरा का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सेलो फ्राई किया है, आप चाहे तो डीप फ्राई भी पनीर को कर सकते हैं। हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, अब हम इसको दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारा जो टमाटर, काजू, बादाम सब ठंडा हो गया है तो उसको हम पेस्ट बना लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में जीरा, काली मिर्च और घी और दालचीनी डाल के पका लेंगे। और उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट। अब जब ये पक जाएगा अच्छे से तो उसके बाद मसाले में ऐड करेंगे हम जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और इसको पकाएंगे कि जब तक घी ना छोड़ दे। तो हमारा घी, हमारे मसाले, जो हमारा पेस्ट है उसने घी छोड़ दिया है, तो हमारा मसाला भून के रेडी हो गया है। उसके बाद मलाई ऐड करें। मलाई डालने से थोड़ा सा जो ग्रेवी में है क्रीमी सा स्ट्रक्चर आता है, इसीलिए थोड़ा सा 1/2 ग्लास पानी मैं ऐड कर लेती हूँ ताकि जो हमारा कच्चापन हो ग्रेवी में, पेस्ट में या फिर ग्रेवी में, वो दूर हो जाए। वैसे होता नहीं, अगर बाई चांस हो तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। एक बॉयल आने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे धनिया का पत्ता और इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप धनिया का पत्ता नहीं खाते तो उसको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद हमने जो पनीर फ्राई किया था वो इसमें डाल के इसको 2 सेकेंड के लिए ग्रेवी के साथ पकाना है। साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर देंगे। सिंधा नमक मैं यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं चीनी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले का जो बैलेंस हो वो बना रहे। और देखिए हमारा जो पनीर बन के अब रेडी हो गया है। इसको बनाने में मुझे बस 10 मिनट लगे हैं। अब थोड़ा सा मैं ऊपर से और धनिया और हरी मिर्ची डाल देती हूँ। तो 10 मिनट खीर बनाने में, 10 मिनट पूरी बनाने में हो गए टोटल 20 मिनट। अब 10 मिनट हम मतलब सब्जी बनाने में और 10 मिनट पूरी बनाने में, पूरा आधा घंटा में मेरा रेसिपी रेडी हो गया है। कट्टू के आटा लिया है मैंने यहाँ पे, उसमें 2 चम्मच घी लिया है, धनिया का पत्ता लिया है और जीरे का पाउडर लिया है और काली मिर्च का पाउडर लिया है। साथ ही साथ 2 बॉयल आलू लिए हैं जिसको मैंने घिस लिया है और सेंधा नमक लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के मैं आटा गूंद के रेडी कर लूंगी। आलू डालने से पूरी का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। उसके बाद एक साइड मैंने घी गरम करने के लिए कढ़ाई पे रख दिया है। अब हम पूरी बेल लेते हैं। तो मैंने एक प्लास्टिक ले लिया, उस पर घी लगा लिया है और ऊपर से एक प्लास्टिक डाल के मैं इसको पूरी को बेल लेती हूँ। तो पूरी का शेप हमारा अच्छा नहीं आया तो उसके लिए करना क्या है, एक प्लेट ले लेना है, उससे पूरी को कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा गोल शेप में पूरी आ गया है। अब हम इसको तल लेते हैं।
तो ये जो रेसिपी है आप नॉर्मल डेज में भी घर में बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा रेसिपी होता है। मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। तो हमारा पूरी भी बन के अब रेडी हो गया है, तो हमारा जो व्रत का थाली बन के रेडी हो गया है। कैसी लगी ये थाली कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।